एक वायरस इस तरीके से कोडिंग करके भेजते हैं, पूरा डेटा एक्सेस होके उनके सर्वर पे जाके अपलोड हो जाता है। तो आपको अलर्ट रहना है। एक बात और, वो लोग जो वायरस आपको सेंड करते हैं वो आप टेम्परेरी फाइल डिलीट कर लो, आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर लो, तो भी वो डिलीट नहीं होगा। अभी रामगढ़ के पास के एक लोकेशन पे एक टीचर के साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ इस तरह की घटना हुई गाड़ी में और उन्होंने इंटरनेट दे दिया। उसके बाद उसने फोन अपने घर चार्जिंग में लगा रखा है, ठीक है, वो अपने घर का काम कर रही थी मैडम, और उसके बाद में उसी के फोन से उसके रिश्तेदार के पास फोन गया कि भाई आपके इसका एक्सीडेंट हो गया और ये सीरियस हालत में हॉस्पिटल में है, हमने इनको बड़ी मुश्किल से लाके एडमिट कर दिया और आप साहब इनको आके और दिखाओ। हमने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को कहा और 50,000 हमारे पास थे, हमने दे दिए, लेकिन ऑपरेशन होगा और 4 पैसे की जरूरत है। अब घर वाले थे, स्वाभाविक सी बात है, अगर अपने परिचित आदमी के साथ ऐसी घटना हो तो हड़बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि साहब पैसे की कोई बात नहीं है, हम आपको और भेज देते हैं। तो उनको तो निशाना बनाना था, उन्होंने कहा कि साहब ये मेडिकल वाले का नंबर है और उधर से उन्होंने 50,000 भेज दिए। अब वो मैडम को पास में अगले 15-20 मिनट में उनके घर वाले पहुंच गए, फोन क्या था कि डिस हो गया, उन्होंने बंद करके फोन उसको चार्जर में लगा रखा। अब आप ये बात सोचो, फोन स्विच ऑफ है उसी के नंबर से और उसके परिचित आदमी के पास फोन जा रहा है, तो ऐसा कैसे? उसमें क्या हुआ कि जो साइबर ठग थे उन्होंने उनके मोबाइल का क्लोन बना लिया, क्लोन बना के उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर उसकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग की और उनके नंबर से उन्होंने इंटरनेट जनरेट करके इस तरह का उन्होंने शिकार बनाया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी आदमी को, अनजान आदमी को अपने इंटरनेट को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देनी, वो इस तरह से भी फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, आप ब्लूटूथ जो डिवाइस होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि फोन जेब में है और हम बर्ड्स वगैरह काटने लगा लेते हैं ईयरफोन पे और हम ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी से हम यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ से भी आपको सतर्क रहना है। अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज करते हैं और उसको अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है, उसके थ्रू भी कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मोबाइल एक तरीके से हमारा डिजिटल वैलेट है। उसमें आप अपना पेमेंट भी रख रहे हैं, उसमें आप फोन पे गूगल पे को भी यूज कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। तो आपको इसके अलावा तीसरा पार्ट, कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई फ्री वाईफाई अगर लगी हुई हो तो भी आपको अपने मोबाइल को उससे कनेक्ट नहीं करना, चाहे भले ही आपका 20 मिनट 1 घंटे लेट काम हो जाए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे फ्री वाईफाई के चक्कर में भी आए दिन इस तरीके के लोग ठगे जाते हैं। उस इंटरनेट को एक्सेस करने के चक्कर में उनके मोबाइल का डेटा चोरी हो जाता है। अगला तरीका, जो आजकल हम मोबाइल फोन को चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, तो चार्जिंग पॉइंट्स अगर कोई पब्लिक प्लेस पे लगे हुए हो तो आपको उस अननोन चार्जर में भी अपने फोन को कनेक्ट नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, साइबर क्राइम में, और इस तरह के जो हैकर्स होते हैं वो उस चार्जर में प्रोग्रामिंग करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टेड करते हैं, और जैसे आप यूएसबी में अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो, जैसे लैपटॉप होता है और हम डाटा केबल से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों काम करता है, आपके फोन को चार्जिंग भी करता है लैपटॉप, और दूसरा काम क्या करता है, आपके डेटा को कॉपी भी कर सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चार्जिंग सॉकेट में प्रोग्रामिंग कर देते हैं। प्रोग्रामिंग करके क्या करते हैं, आप लगाओगे चार्ज दिखाएगा कि भाई चार्ज हो रहा है, आप फोन को रख दोगे, अगले 1-2 मिनट में आपके पूरे डेटा को कॉपी करके वो अपने पास में सेव कर लेते हैं और इमीडिएटली आपको अगला जो ब्लैकमेलिंग का तरीका होता है, जैसे कोई पर्सनल आपकी फोटो हो, आपकी फैमिली की कोई फोटो हो सकती है, तो कभी भी आप लोग ऐसी कोई पर्सनल ऐसी फोटोज हो जो कि सीक्रेट है उनको अपने फोन में ना रखें। जीरो फॉर्मेट का मतलब जानते हो, उसमें क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है वो रिस्टोर उस पोजिशन पे हो जाएगा जैसा वो कंपनी से खरीदा गया था। अगर उसके मदरबोर्ड में कोई ऐसा वायरस या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो भेजी गई थी तो पूरी इरेज हो जाएगी और फिर दोबारा अपनी सिम डालें और सिम डालने के बाद आप क्या करें, अपने बाकी डिवाइसेस को यूज करें। अगर ऐसा भी होता है कि आपने सिम भी डाला दोबारा और आपने मेमोरी कार्ड डाल लिया फिर वो दोबारा होता है, तो फिर अगला काम क्या करना है, क्योंकि उसकी जो वायरस की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिम में भी जा सकती है, मेमोरी कार्ड में भी जा सकती है, इसलिए अगर आप दोबारा उसको मतलब उस घटनाक्रम का शिकार नहीं होना चाहते तो आपको वो दोनों चीज भी बदलनी पड़ेगी। अपने सर्विस प्रोवाइडर से सिम की प्लानिंग करें, उस सिम को तोड़ के फेंक दें और उसी नंबर की नई सिम निकलवाएं, और अगर मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं तो मेमोरी कार्ड को भी आप दूसरा रिप्लेस करें, क्योंकि जीरो फॉर्मेट करने के बाद
बाद भी आपकी सिम में भी और आपकी क्योंकि मेमोरी कार्ड को फॉरवर्ड नहीं करोगे आप और ना ही सिम को फॉरवर्ड करोगे, आप क्या करोगे, दोनों चीज निकाल ली पहले। अगर वो दोनों चीजें बाहर है तो वो वायरस की प्रोग्रामिंग वो दोनों में हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है पब्लिक प्लेस पे कोई भी इंटरनेट को नहीं एक्सेस करना, कभी भी अपने फोन का इंटरनेट का हॉटस्पॉट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना। तीसरी बात, कभी अननोन जगह पे अगर आपको चार्जिंग करना पड़े तो किसी दूसरे के चार्जर से अपने मोबाइल को चार्जिंग नहीं करना है। ये बहुत लेटेस्ट तरीके के फ्रॉड्स हैं जो बहुत तेजी से आजकल हो रहे हैं। अगला एक जो लेटेस्ट अभी जो ट्रेड में जो इस तरह का साइबर फ्रॉड्स का जो काम हो रहा है उसमें आपका एटीएम फ्रॉड्स हो सकता है। अमूमन एटीएम फ्रॉड्स तो सब लोग जानते होंगे कि फोन करके आप लोगों को कहते होंगे कि आपका जो एटीएम है वो एक्सपायर हो रहा है, उसके पुक कोड वगैरह के लिए, सीवीवी कोड के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों से मांगी जा सकती है। तो देखो इसमें कुछ ऑडियो को मिक्सअप किया है हमने जो कवर्ड करके बताएगा कि क्या क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं। अभी आजकल क्या है, स्वैप मशीन में
कहीं भी आप आदमी चाहे किसी दुकान पे खरीदारी कर लो, किसी पब्लिक प्लेस पे खरीदारी कर लो, ये बात अलर्ट रखे रहना है। उस कीबोर्ड पे हाथ रखो और जैसे चाप उंगली के नीचे अपने को पता है क्या दबाना है बटन चाप, फिर दबाने के बाद उसको ओके करो। ये बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है इस तरीके से भी, क्योंकि वो दुकान वाले को भी नहीं पता, कई बार कोई ग्राहक बन के उस मशीन में चिपका जाता है। देखो QR कोड सेफ है किस पोजीशन में, जैसे हम संबंधित व्यक्ति के पास गए और हम उसको पे कर रहे हैं भाई, उससे हमने एक चीज, जैसे अगर हम कहीं भी खरीदारी कर रहे हैं ना तो बिल ले, QR से पेमेंट पे कर रहे हैं ना तो उसका बिल ले, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लगाया QR कर दिया तो आप उस ट्रांजेक्शन का वो बिल देता है, तो आप उसका बिल ले। कई बार क्या होता है कि जैसे पेट्रोल पंप वाला तो पूरी जगह सही है लेकिन उसका कर्मचारी कोई अपना QR चिपका दे, हो सकता है ना। कभी जब वो टोकन मनी उसका वापस कर रहे हो तो आपको वहां अलर्ट रहना है और उसको यही कहना है कि ये पेमेंट
हम बांसु को साइबर फ्रॉड से बचाने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। हमारा पूरा एफर्ट्स रहेगा पूरी टीम का, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाए। धन्यवाद। इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग को पता चला होगा, तो कैसी रही वर्कशॉप, कैसी रही, पहले उसके लिए आपके फीडबैक लेना चाहेंगे। अच्छी थी सारी चीजें, मतलब ऐसी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं होती, हम डेली यूज में काम दे रहे हैं और उसकी वजह से साइबर फ्रॉड के शिकार हम लोग हो जाते हैं। और ये केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कम पढ़े लिखे, जो अवेयर कम है, आप और हम जैसे जो पूरी तरह से अवेयर है, हम लोग भी कई बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं वो हम लोगों से भी चार आगे हैं, वो ऐसी ऐसी टेक्निक इजाद करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे खाते में पूरा पैसा जीरो हो जाता है। हार्ड अर्न मनी है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं, इवन क्राइम्स, अदर क्राइम्स में भी साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा आजकल प्रिवेलेंट हो गए। सेक्सटॉर्शन के बारे में आपने सुना होगा, वीडियो कॉल करेंगे, उसमें कोई भी अश्लील चीज़ें होंगी, और फिर उसके बाद उसको लेके लगातार ब्लैकमेलिंग करेंगे और पैसा आपसे वसूलेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ भी आए, तो सेक्सटॉर्शन होता है। इसके अलावा बच्चों के पॉर्न वीडियो बना के उसको वायरल करने की धमकी देते हैं उनको, आप बहुत सारे लोग उसके नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, मतलब आपके और हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे लिंक्स और ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे मैसेज एसएमएस के माध्यम से आते होंगे, जिसको हम लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन कई बार हम गलती से उस लिंक को क्लिक कर देते हैं और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हमारा हो जाता है। और आप लोग उस क्वेश्चनर को भर के आप लोग वो सर्टिफिकेट दे लें, और इस मुहिम को, इस साइबर सिक्योरिटी पखवाड़े को आप लोग सफल बनाएं, यही हमारी उम्मीद है। इसी उम्मीद से हमने आज ये स्टार्टिंग की है, और हमारे बहुत एक्टिव एनजीओ है युवा जागृति संस्था, ये काफ़ी सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान अभी तक किया है। इसीलिए इनको हमने साथ जोड़ा है कि एक एनजीओ के सहयोग से हम लोग कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे, तो आगे भी हम लोग इनका सहयोग लेते रहेंगे। इसी तरह से अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, उसके बाद में और डिपार्टमेंट्स में भी और फील्ड्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका सहयोग लेके हम लोग आगे अपना काम करें। जी हैं, और आप सब जो ट्रेनिंग ली है, तो मैं समझता हूँ कि आज रात को 1:15 में आपने ट्रेनिंग ली है, ये कल परसों तक पूरे बांसुर के प्रत्येक गांव ढाणी तक ये ट्रेनिंग पहुँच जाए, क्योंकि आप सब यहाँ से जाने के बाद अपने विद्यालय में परिक्षेत्र में एक वर्कशॉप जरूर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि साइबर सुरक्षा के मामले में पूरा बांसुर सुरक्षित रहेगा।